जी दोस्तों, कहते ना आओ फाका मस्ती में झूम ले रंग जमा दे, और के साथ भी यहाँ जमा रहे रंग आप सबके संग। बहुत ही खास कटाकट की रेसिपी, और हमारे पीछे शेफ अब्बास साहब कटाकट कर रहे हैं तैयार। हम एक और कटाकट की रेसिपी का आगाज करते हैं। जरूर आप बकरा ईद में, ईद उल अजहा में, ईद के बाद भी रेसिपी बना सकते हैं। कटाकट के लिए देखिए, दिल, गुर्दे, मगज, ब्रेन, किडनी, हार्ट, तीनों चीजों की बहुत ही अहमियत है। और इसे सबसे पहले बॉईल करना है, अच्छी तरह से वॉश कर लेना बहुत जरूरी है। बॉइलिंग के लिए पानी रखा और पानी में शामिल किया। देखिए बहुत ही खास कटाकट खाने के लिए बहुत से लोग यहाँ आते हैं, उसकी सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। पानी है बॉइलिंग के लिए, बॉइल करना है। और दिल, गुर्दे, मगज, कहते ना दिल गुर्दों का काम है, ठीक है। ब्रेन, किडनी, हार्ट और शामिल किया करना है, बॉइल से रखा यहाँ। और इसी दौरान अदरक, लहसुन पिसा हुआ, जिससे ना सिर्फ अच्छा जायका आएगा साथ ही खुशबू वाला। अदरक लहसुन लिया और लगभग 2 खाने के चमचे शामिल किया अदरक लहसुन, ठीक है। और इसे करना है बॉइल, ठीक है। किया अब आप सब चूल्हा तेज करना चाहेंगे आप, बंद है। थैंक यू जी दोस्तों, देखा बात साहब ने चूल्हा तेज किया, दिल, गुर्दे, मगज हो रहे हैं बॉइल। बॉइलिंग बहुत जरूरी है, अदरक लहसुन में बॉइल करने का बिगेस्ट रीजन इज डेट किसकी एक तो स्मेल और खुशबू बहुत ही आला, ठीक। और ये दिल, गुर्दे, मगज बॉइल कटाकट के लिए, दिल, गुर्दे, मगज फ्रेश, आप कुर्बानी का गोश्त भी ले सकते हैं। पहले बॉइल करना है अदरक लहसुन, दिल, गुर्दे, मगज, कुछ ही देर में बॉइल हो जाएंगे। जैसे बात सब आप लोग कितनी देर बॉइल करते हैं सर? 2-3 मिनट जी। शेफ अब्बास का कहना है दिल, गुर्दे और मगज को 2-3 मिनट तक बॉइल, क्या बॉइलिंग का प्रोसेस जारी है। बॉइल तुरंत काटना नहीं होता, साबित बॉइल करते हैं, काट ले, ठीक है। दौरान भी आप चाहें तो काट भी सकते हैं। दिल, गुर्दे, मगज, और ये देखिए आप और बाकी कहा जाए दुनिया कर रहे हो, जितना ज्यादा अच्छा होता है। ये कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितने खुश नजर है, देखिए अब्बास साहब मुस्कुरा रहे हैं। और यकीनन 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 शादियों के सिलसिले का भी आगाज। कुछ हार्ड है, कुछ ही देर में सॉफ्ट होंगे। जी दोस्तों, कटाकट बॉयल हो चुका है, खुशबू बहुत ही आला, डेफिनेटली सेम टेम्पटिंग। और इसके बहुत खास मसाले शामिल किए जाते हैं, जो देख लीजिए, अदरक लहसुन है, ठीक है। साथ ही कुकिंग ऑयल बिल्कुल शामिल करना है, काली मिर्च पाउडर, साथ ही सूखी मेथी, फेनोग्रीक शामिल करनी है, बहुत ही खास पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, सोल, डेफिनेटली जहाँ से जायके की इब्तिदा हुई, और साथ ही ग्रीन चिली, छोटी मिर्चें जो लगती तो छोटी हैं लेकिन बहुत तेज होती हैं और मैजिकल टच आता है। साथ ही हरा धनिया और टमाटर 3 से 4 अदद बिल्कुल शामिल करने हैं। ये तो हो गई रेसिपी, और बॉइल जब दिल, गुर्दे, मगज है उसका प्रोसेस का आगाज करते हैं। तो अंदर आइए और प्रोसेस का आगाज करते हैं। दोस्तों, दिल, गुर्दे, मगज, टमाटर शामिल किए, और यहाँ के कटाकट के मास्टर शेफ हबीबुल रहमान मौजूद है। इसके बाद क्या करना है? करें और जरा सा पानी शामिल, आपको फील होगी सरफेस पे लगना स्टार्ट हो चुका है। अच्छी तरह से करते हैं मिक्स, नमक, लाल मिर्च शामिल कर चुके थे, अब मसाले कुछ देर के बाद, कितनी देर लगती है गलने में? तैयार हो गया, गल गए। अच्छा, ये आप कितने अच्छे से काम कर रहे हैं? 30 साल से कटाकट बना रहे हैं, और क्या क्या बना सकते हैं आप? कटा कर, ठीक है। और ये गल चुका खुशबू बहुत ही आ रहा है, धनिया कब शामिल करना है? अच्छा, जब गोश्त ये कटाकट गल चुका है, खुशबू बहुत ही आ रहा, और उसके बाद काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च के साथ ही सूखी मेथी, कसूरी मेथी शामिल की, और गरम मसाला पिसा हुआ,
जी दोस्तों कटाकर हो चुका है तैयार, अब चलते हैं पूरी की तरफ और फरीद साहब बनाने। जी फरीद साहब, पहले आटा रखा और हल्का सा ऑयल अप्लाई किया, ठीक है, और तैयार करें। कितनी देर लगती है आटे को, किस तरह बनाया था आपने? ठीक है, आटा शामिल किया, कुछ ही देर में फूलेगी तो खुशबू बहुत ही आला। उसके बाद टर्न किया, फ्लिप किया और फूलने लगी, देखिए बहुत ही आला, देख सकते हैं आप कैमरे की नजर से, लेकिन हमें फूलती जा रही है। एक मिनट दिखा, कुछ ही देर में फूलती जा रही है, फूलिए टर्न किया, कुछ ही देर में चुकी थी, हल्का सा ऑयल ऊपर जरूर अप्लाई करना है, ठीक है। और ये देखिए तैयार हुई, निकाले और से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑयल अच्छी तरह से गर्म जरूरी है, एक और शामिल किए, कुछ ही देर में फूलेगी, कुछ ही देर में फूले, ये देखिए आप, और फिर जैसे फूलेगी टर्न करना है, ठीक है। अच्छा याद रहे कि ये छोटी पूड़ियां रोल की उड़ी हैं तैयार, रोल के लिए, सीख कबाब के लिए भी जरूर बना सकते हैं, इसे भी निकालते हैं। ठीक है, तैयार होती जा रही, जैसे फूलेगी हल्का सा ऑयल, और ऑयल देखिए कितना साफ सुथरा साफ हो रहा है तैयार, ज्यादा काला ना हो। टर्न किया दूसरी से भी, और कुछ ही सेकंड बहुत अच्छी फूल चुकी है, जैसे फूली से निकाला, वाह बहुत ही आला। और इसी पूरी को बीफ कबाब या किसी और डिश के साथ भी डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं, ना सिर्फ आप लंच डिनर बल्कि आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में भी हलवे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज की दोनों मजेदार रेसिपीज कटाकट पूरी और साथ ही मटन मखनी भी हो चुका है तैयार।